टेलीविजन हो या रू पहला पर्दा हो, एनिमेशन के जमाने में भी आज भी लोग इन हस्तचलित राखियों को देखने, उनकी झलक को निहारने के लिए उमड़ पड़ते हैं। सड़कों पर ये जो लोग निकलते हैं, ये ना केवल परंपरा का निर्वहन है बल्कि बप्पा की विदाई की बेला भी है, और अनंत चतुर्दशी चल समारोह की एक ऐसी परंपरा है जो कि पिछले एक दशक से जो है निभाई जा रही है, या सीधे तौर पर कहें कि एक पूरा सदी यहाँ पर बीत गई है, क्योंकि जिस तरह से मिल मजदूरों ने सड़कों पर इन झांकियों के काफिले को निकालने की परंपरा को शुरू किया था, वो आज भी जीवंत है। और ये भी कहा जा सकता है कि टेलीविजन पर जरूर आज के नन्हे नौनिहाल कार्टून को निहारते हैं, लेकिन इंदौर की जनता और खास तौर पर मध्य प्रदेश की जनता जब इंदौर की सड़कों पर निकलने वाले इस अनंत चतुर्दशी के चल समारोह को देखने के लिए उमड़ती है, तो कार्टून और 2D 3D एनिमेशन के जमाने में भी इन झांकियों की कारवां को सार्थकता मिलती है, कहा जाए पूरे परिश्रम को यहां पर पराकाष्ठा कर छूता देखा जा सकता है। इंदौर की जनता लाखों की तादाद में निकल चुकी है, इंदौर के तमाम नजारे हम आपको दिखा रहे हैं, और कैसे तमाम व्यायामशालों के जो तमाम पहलवान हैं या अखाड़े हैं वो यहां पर सड़कों पर अपने खेल कौशल का लोहा भी मनवाते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और झिलमिलाती झांकियों के कारवां के साथ में और कैसे यहां पर सतरंग बिखरे जा रहे हैं वो तमाम नजारे आपको दिखाते हैं सीधे इंदौर की सड़कों से। सबसे पहला और सीधा नजारा एमपी न्यूज टीवी पर। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जिस प्रकार से लोगों को यहाँ पर उत्सुकता थी, जो कोरोना काल के बाद से ही लगातार जो इंदौर की परंपरागत झांकियाँ हैं उसका जो कारवा है वो अब निकलने की शुरुआत हो चुकी है। आज हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ हम आपको दिखाएंगे पिछले 13 वर्षों से अमरदीप मोरी जी हैं, ये जो झांकी का निर्माण यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, और जो थीम इन्होंने इस बार बनाई है इसके विषय में वो पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, यह पूरा जिस प्रकार से बना हुआ है, काफ़ी समय से जो यहाँ पर कारीगर लगे हुए थे उनकी मेहनत का नतीजा है, जो इतनी सुंदर और सुसज्जित झांकी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ पर अमरदीप मोरी जी से और वो पूरी यहाँ पर जानकारी देंगे कि किस प्रकार से यह जो झांकियों का कारवा है कितने सालों से लगातार जारी है, और क्या आपने ऐसा सोचा, आपको क्या ऐसा विचार आया कि इस प्रकार से हमें जो परंपरा का झांकियाँ हैं उसकी शुरुआत में साथ साथ में इसको भी निकालना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इंदौर की परंपरा पिछले 90 वर्षों से, मुझे लगता है इंदौर में जो मिलों का कारवा था, मिलों में कपड़ा मिलें जो यहाँ पर संचालित की जाती थी, गणेश विसर्जन, गणेश उत्सव का कार्यक्रम वो करते थे, फिर गणेश विसर्जन के चल समारोह के रूप में इंदौर का इतिहास ये रहा है कि हर वर्ष ऐतिहासिक झांकियाँ निकलती रही हैं। उस इतिहास की परंपरा में मिलें तो आज बंद हो गई हैं, लेकिन हमारे जो मिल मजदूर भाई हैं वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ आज भी गणेश जी का पूजन करते हैं। अपने धर्म में आस्था रखते हुए वो इंदौर के इस चल समारोह को उन्होंने जीवित रखा हुआ है। अपना सहयोग, छोटा छोटा सहयोग वो आपस में मिलाते हैं। पहले कभी बड़ी संख्या में झांकियाँ, सरसेठ हुकुमचंद की झांकी, मालवा मिल की झांकी, राजकुमार मिल की झांकी, कल्याण मिल की झांकी, ये सब निकला करती थी, ये कारवां बड़ा हुआ करता था। पर आज मिलों के बंद होने के कारण से कहीं ना कहीं ये लुप्त होने की कगार पर था। तो कभी एक झांकी, कभी दो झांकी, कुछ सहयोगियों के सहयोग से, मुझे लगता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण का सहयोग, इंदौर नगर निगम का सहयोग भी उनके साथ होता है, कुछ व्यक्तिगत सहयोग, कुछ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के द्वारा आज वो कारवां उन्होंने जीवित रखा हुआ है। मैं उन सभी मिल मजदूर भाइयों को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। इसी कड़ी में हमने ये सोचा कि जब ये लुप्त होती हुई जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जय माँ हरसिद्धि सेवा संस्था के नाम से हम लोग भी एक झांकी अपनी तैयार करवाते हैं, और इंदौर शहर की जनता की परंपरा के साथ में सहयोगी हम होते हैं, और जनता हमारा पूरा सहयोग करती है, हमारा प्रोत्साहन करती है, हमें आशीर्वाद देती है। इस बार की थीम की बात करें तो किस प्रकार की थीम आपने इस बार रखी है, उसका कारण क्या रहा, क्या आपके ऐसे मन में भाव आया कि इस प्रकार की थीम हमें? देखिए, हरतालिका तीज का पूजन महिलाएं बड़ी शिद्दत के साथ में करती हैं। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले तीज होती है, उस तीज पे माताएं बहनें सब मिलकर मुझे लगता है कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में भगवान शिव की पूजा करती हैं, और वो अपने सौभाग्य के लिए अपनी कामना के साथ में वो पूजन करती हैं। तो हमने ये विचार किया कि माँ पार्वती, शिव जी, गणेश जी, उनका पूरा शिव परिवार यहाँ पर उनका पूजन होता हुआ इसके अंदर हम प्रदर्शित करेंगे, और हरतालिका तीज की थीम पर ये झांकी का निर्माण हमारे जो निर्माता हैं राकेश कुशवाहा जी, नारायण कुशवाहा जी, उनके द्वारा किया गया है, और इस साल चल समारोह में हम लोग सम्मिलित होंगे। बात करें आजकल के यूथ की, तो जिस प्रकार से आजकल का जो यूथ है, जो इन जो पुरानी परंपरा है उससे कहीं दूर भागता दिखाई दे रहा है, क्या आपके तरफ से संदेश रहेगा यूथ के लिए, क्योंकि ये जो परंपरा का जो हमारी झांकियों का जो कारवा है जो काफ़ी समय से लगातार जारी है, और जो हमारी संस्कृति है
उससे भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा यूथ के? देखिए, मुझे लगता है कि संस्कृति के साथ में जुड़ के रहना, कोरोना काल ने सबको ये सिखाया है। पिछले दो वर्षों में जब ये कारवां नहीं निकला, कई आयोजन जो हुआ करते हैं शहर में नहीं होते थे, लेकिन अभी जितने भी आयोजन हो रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में सामाजिक लोग, सब युवा साथी भी उसमें पहुंच रहे हैं, सामाजिक लोग पहुंच रहे हैं, महिला शक्ति पहुंच रही है। और मुझे लगता है कल का कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होगा, जैसा पिछले कई वर्षों में ऐतिहासिक कार्यक्रम होता रहा है, कल वाला कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होने वाला है। सब युवा साथी जुड़कर मिलकर उत्साह के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए इस चल समारोह को सफल बनाएं, ऐसी मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं। चलिए, यहां पर जो झांकियां हैं उसका कारवां शुरू हो चुका है लगातार। इस प्रकार से कोरोना काल के बाद से लोगों को इन झांकियों का काफ़ी इंतज़ार था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आपको लगातार इसी प्रकार से झांकियों का कारवां लगातार दिखाते रहेंगे एनपी न्यूज़ पे। आप बने रहिए। इंदौर से एनपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।